तुम्हारी जी धूत आ जाएंगे यहाँ, भक्तिमती जी यहाँ। 22 शब्द तो नहीं बोलूंगा, 22 शब्द बिल्कुल 22 शब्द हमारे मुख से नहीं निकलेगा, न राजू जी कह सकता हूँ। आप लोग भाई कहते हैं इस पर भाई राधे भक्तिमती प्रतीक्षा के पल समाप्त हुए। अब आए हम और आप जुड़ जाएं। अनवरत 3 घंटों के लिए प्रभु में लीन करके स्वयं को हम और आप आनंद प्राप्त करें। सर्वप्रथम मैं भक्तजनों के चरणों में वंदन करते हुए परमादरणीय भूदेव वीणा पाणिनि के वरद पुत्रों का नमन करता हूँ। मुख्य यजमान, आज के मुख्य यजमान द्वारा पूजन अर्चन वंदन आदरणीय श्री देश बंधु जी काग जी एवं श्रीमती शारदा देश बंधु जी काग जी हमारे आज के इस कार्यक्रम के यजमान, उनके द्वारा प्रभु कल आपने देखा था एक बड़ी मनोहर मूर्ति, उस मूर्ति से उस प्रतिमा से प्रभु के उस रूप से हमें कुछ ऐसा एहसास हुआ, एक स्मरण आया, कल समय नहीं था कह नहीं सका, आज आपको दे दूं। महात्मा तुलसी सारा विश्व जानता है, प्रभु का ऐसा प्रखर गायक शायद नहीं हुआ अब तक। वो किसको गाते थे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बार वृंदावन महात्मा तुलसी गए, कल जिस तरह की प्रतिमा भगवान की थी यहाँ, ऐसी ही भव्य प्रतिमा मंदिर में उन्होंने देखा। इतने आह्लादित हो चुके महात्मा तुलसी, कहते हैं कि क्या छवि वर्णो आपकी, भले बने हो नाथ। वास्तविकता है क्या छवि वर्णो आपकी, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक नवत है पर धनुष बाण ले हाथ, ये महात्मा तुलसी ने कहा। लेकिन हमें रास्ते से भटकाने के लिए कुछ लोगों ने कर दिया, कह दिया कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। ऐसा नहीं है, हमें रास्ते से भटकाने के लिए किसी ने कर दिया। यथार्थ है तुलसी मस्तक नवत है, लेकिन मैंने तो आराधना की है धनुष बाण वाले की, इस मुरली वाले की नहीं, इसलिए धनुष बाण ले हाथ। इतनी मनोहर प्रतिमा को कल देख करके आपके शब्द, आपके चरणों में शब्द समर्पण किया। अब
आज के कार्यक्रम प्रतिदिन करीब करीब ऐसा होगा, एक प्रसंग होगा बिखरे मोती। बिखरे मोती में वे शब्द वे पंक्तियां आएंगी जो भक्तिमती प्रणाथ परमादरणीय के श्री मुख से निश्चित हुई होंगी। बहुत निकलता है, किसको कितना कोई ले पाता है, कुछ नहीं ले पाता। हमारी एक विधा मैंने निश्चित कर ली, जहाँ भी मंचों पर आता हूँ, बड़े बड़े संत महात्मा क्या कितना बिखेर जाते हैं, लुटा जाते हैं। हम कुछ कुछ हम कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ वही नहीं। उसमें मैं बिखरे मोती के रूप में आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। मैं अपना आनंद बांटने के लिए गायन गा रही हूँ, अपना आनंद बांटने के लिए गा रही हूँ। महात्मा तुलसी ने कहा था, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। उनसे पूछा लोगों ने, संस्कृत में लिखा हुआ इतना महाग्रंथ रामायण क्राम का आप अवधि भाषा में लिख करके अवहेलना कर रहे हो। उस पर तुलसी ने कहा, तो नहीं भाई, स्वांतः सुखाय। इसी तरह परमादरणीया ने कहा, आत्म संतोष के लिए यह पारायण कर रही हूं। लोग नहीं, आत्म संतोष के लिए कर रही हूं। तीसरा है, पुरुषों की तरफ दृढ़ता पूर्वक इंगित करते हुए, पुरुष यह न सोचे कि नारी केवल और केवल मात्र भोग्या है। यह है कि नारी के उत्थान के, नारी के बारे में कितनी भावनाएं नख से सिक तक भरी हैं, पिछले 7 दिनों में आप समय समय पर देखेंगे, सुनेंगे, परिचित होंगे। चतुर्थ है, पुरुष समाज को चुनौती भरे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रताड़ित नारी कहाँ जाए, नारी ही तो आपकी उद्भिजा है। पुरुषों से प्रश्न किया, नारी इतनी प्रताड़िता उपेक्षिता एवं निराश्रिता क्यों है, ये पुरुष समाज से पूछा है। अब इसके बाद आध्यात्म की ओर आ गई हैं। यदि हर प्रकार का अभिमान छोड़ भक्ति करें तो दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि भगवान आएगा आएगा आएगा। 3 बार ऐसा कहा है कि दृढ़ता से भक्ति करते हैं तो निश्चय ही आएगा, उसको आना पड़ेगा। पुरुष समाज को प्रशंसित भी किया इन्होंने, पुरुष समाज पर उंगली नहीं उठाई है, एक तरह से प्रशंसित भी किया है। उदाहरण दिया है कि कृष्ण की उंगली में कहीं चोट लग गई थी, रक्त बह रहा था, कि भारत की एक नारी ने, आप सब जानते हैं मैं कह रहा हूं, एक नारी ने अपना आंचल फाड़ कर बांध दिया था। आप रोमांचित हो रहे होंगे, निश्चित हुआ है शब्द। उस पर भारत की नारी ने अपने साड़ी का एक छोटा टुकड़ा बांध दिया, उसके बदले में पुरुष समाज उसकी रक्षा के लिए सहस्रों 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 साड़ियां प्रदान करके उसकी रक्षा की है, उसका आत्मसम्मान रखा है। और अंत में अतिशय महत्वपूर्ण प्रसंग, अन्याय के प्रति भीष्म के भयंकर आक्रोश को देखकर द्रौपदी जी मुस्कुरा उठी। भगवान, उन्होंने पूछा क्यों, बताया है प्रसंग। उस पर यह है कि इस घड़ी में घोरतम अन्याय को सहने के लिए, घोरतम अन्याय को सहन करने के लिए भीष्म पितामह को प्रायश्चित के रूप में सरसैया पर सोना पड़ा था। ये कुछ शब्द हैं निश्चित, अब आप आए कड़ी में जुड़े। एक सूचना है कि प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक ये भूदेव यहाँ बैठकर सस्वर पाठ करते हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि जिनके हृदय में कहीं भी अंकुरित होता हो ऐसा कि हम और अधिक लाभ ले सकें, उनका हम आमंत्रित करते हैं, आए। श्री भागवत
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुण्य शापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह मधुसूदन की आरती। पापियों को भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है, नवी ज्योति जगाने वाला है। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग बंद खोल फन मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल जग बंद खोल क्षण मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही प्रभु के महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को बलिव्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राजा परीक्षित जी महाराज की, परम पूजनीय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुरमर्दन, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। वंदे वृंदावनानंदां राधिकां परमेश्वरीं, गोपिकां परमां श्रेष्ठां लाडली शक्तिरूपिणीं,
श्री वृषभानु कुमारी के पद बंदों कर जो जीन शिवा सर उर धरे ब्रज बसि नंद किशोर बंदों राधा पद कमल अमल सकल सुख धाम जिन परसन के हित रहत लाला इत घनश्याम राधा जुगल बिहारी 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 मेरे राधा जुगल बिहारी जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी मेरे राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी अरे मेरे जुगल बिहारी मेरे जुगल बिहारी अरे प्यारे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीर कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने भरतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुघाधवमृतदव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुका करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्र पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव जे पे पिबा स्वामृतमेत देव गोप कन्या
सदा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति निजहो तम संदन मयतां व्रजन्ते गोविंद दामो यजिवाद्वेति जीवे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्ण समनोहराणि समाप्त भक्ता तिविनाशनानि इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामो धर्माद्वेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर गोविंद दामो धर्माद्वेति जीवे रसके मधुर प्रियात्वं सत्यमितं त्वा परमं वदामि वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामो धर्माद्वेति गोविंद दामो धर्माद्वेति गोविंद दामो धर्माद्वेति गोविंद दामो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सब यहाँ पर जितने सब बैठे हैं आप सब में विराजमान प्रभु को मेरा नमन, गुरु जी को मेरा प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम। जो कुछ भी कल आपके सामने ठाकुर जी ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा कराई, सत्य चित आनंद की चर्चा कराई कि सत्य सत्ता है जो चारों तरफ है, चित्त जो चिति है जो सबको चेतना द्वारा प्रकट पकड़ती है, और आनंद सबके भीतर अंदर है जो अप्रकट है। और आगे सत्य की चर्चा चलती चली जाएगी। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी जो चरित्र को के द्वारा, लोग कहते हैं इतने चरित्र है, कल गोकर्ण उपाख्यान हो गया, अब आज से लेकर के चरित्रों की चर्चा होगी, चरित्रों की चर्चा नहीं होगी। ये तो केवल भक्त और भगवान की चर्चा है, और भक्त और भगवान की भी चर्चा इसलिए है, भगवान वो है, भगवान वो है जो कि हमें अमृत का प्याला पीना है, जो अमृत का रस है, जो भागवत का रस है, वो पीने के लिए हम बैठे हैं। और उसका माध्यम क्या है? भक्त। पात्र क्या है? भक्त। जिस भक्त के चर्चा सुनके उसके माध्यम से हम भगवान की भक्ति का रस पिएंगे। इसलिए कोई चरित्र नहीं है। बहुत लोग कहते हैं अरे क्या भागवत में तो बहुत चरित्र है, आज तो इसकी कहानी आएगी, उसकी कहानी आएगी, कहानियां नहीं है। इनके माध्यम से एक एक भक्त ने किस प्रकार से ठाकुर जी को रिझाया और ठाकुर जी का और भागवत का रस पिया है,
हमें वो शैली मिलेगी, वो तरीका मिलेगा कि जिस भक्त ने किस प्रकार से ये भागवत का रस पिया है। अब हम सब में से हमारी जितनी शक्ति हो, हमारा जितना पात्र हो, हमारी जो भक्त के अनुसार हमारी भावना हो, उसके अनुसार थोड़ा बहुत हम पिएंगे। यहाँ आए जब किसी को मत कहिएगा कि भागवत सुनने आए, क्या कहेंगे आज से? भागवत का रस पीने आए। ये भावना ही आपको पिलाने में सक्षम हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप कितना सुने, ये भी नहीं कह रहे हमने ये सुना ये नहीं सुना ये सुना ये नहीं सुना। अपने को जाकर के लेख नहीं लिखना है कि हमने क्या सुना और क्या नहीं सुना। हमें क्या करना है, इसमें से हमने रस कितना पिया। पिबत भागवतम रसमाल्या। मुझे तो एक ही वस्तु अच्छी लगती है कि पीना अगर किसी को आ जाए तो होश ऐसे ही उड़ जाते हैं और कुछ सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अरे साधारण लोग पी लेते हैं तो उसमें अपने होश खो देते हैं, तो श्रीमद् भागवत का रस पी करके भी होश बाकी रह जाएंगे क्या? नहीं बाकी रहेंगे। सुखदेव जी ने यूं ही नहीं भागवत कही है, हमको कहानी सुनाने के लिए नहीं कही है, हमको पकड़ना है। क्या पकड़ना है? कि कौन सा रस मेरे कर्ण के पुट से भीतर जा करके और मुझे आनंद का अनुभव करा दे और मैं वो रस पी। जीवन में, सच बोलती हूं, जीवन में अगर समय को व्यतीत करना हो, जीवन को लेना हो, तो दो आश्रय हमें लेने चाहिए। कौन से दो आश्रय? एक परमात्मा का और एक सत्संग का। भैया आप तो कहेंगे कि सत्संग सत्संग के लिए बहुत बोलते हैं, पर करें क्या? सत्संग ही सत्संग है जिसके माध्यम से हम आगे जा सकते हैं। तो सत्संग क्या करता है? सत्संग करता है विवेक जागृत करता है। सत्संग विवेक को जागृत करता है। विवेक कैसे? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का चरित्र, भक्त का चरित्र समझ में आ जाए, इसके लिए विवेक जागृत करना। किसके लिए? भगवान की कथा समझ में आ जाए। लोग सुनते हैं कहानी, अब पता नहीं इतनी बार इतने संत लोग कितनी चीजें सुनाते हैं, पर सुनाने के बाद क्या करते हैं? भाई सुनी तो थी, ये कही थी ना, हाँ कुछ कुछ तो ऐसा ही बोला था भाई, पूरा तो याद नहीं है। भाई क्यों नहीं याद है? क्योंकि हमारा पात्र पहले से दूसरी चीजों से भरा हुआ था। देखिए एक दफे एक आदमी गया था, तो रास्ते में जा रहा था तो जाते जाते उसको किसी ने कहा कि अभी देख लेना भाई, कहीं पे मेरी सोने की अंगूठी गिर गई है तो देख लेना। उसकी सोने की अंगूठी गिर गई थी, तो देखता गया। तो कैसे उसने शुरू किया, चीजें बहुत थी लेकिन उसने शुरू किया, इसमें तो पीला रंग नहीं। पहले उसने देखना शुरू किया कि पीला रंग का कुछ चमकती चीज है क्या, सोने की अंगूठी चमकेगी। तो उसने पूरा कचरा देखा लेकिन उसमें से ध्यान उसका कहाँ था? सोने की पीले रंग की कोई अंगूठी है क्या। जब सोने का कहीं पीला रंग दिखने लगा तब उसने उसमें से देख लिया। बोले अरे इतने कीचड़ में से तुमने अंगूठी ढूंढ ली, भाई कमाल की बात है। बोले मेरा ध्यान ही पीले रंग पे था सो इसलिए मैंने ढूंढ लिया। तो इसलिए हम यहाँ पर पूरी टाइम आए तो हमारा ध्यान ये रहे कि कहाँ से हमारा मुंह खुला है, हमारा पात्र खुला है, कहाँ से भगवान का रस, चाहे वो कपिलाख्यान से हो, चाहे वो ध्रुव चरित्र से हो, चाहे वो किसी भी चरित्र से हो, पर हमारे भीतर उसका रस। अब कल सुखदेव जी का आगमन हो गया, भागवत का थोड़ा माध्यम शुरू करते हैं। मुझे खुद को जब भागवत पढ़ी मैंने और सोचा सुनाया, तो आज के जब शुरुआत हुआ मैंने कहा ये इसमें से सृष्टि विषयक प्रश्न और ध्यान की विधि और भगवान का स्थूल और सूक्ष्म रूप, थोड़ा सा बोरिंग लगा ना? नहीं, ये सारी चीज है जड़। फूल अच्छा लगता है, किसी को जड़ अच्छी लगती है? नहीं। हमें सृष्टि के बारे में मालूम ही नहीं है तो हम कैसे कहेंगे? प्रथम स्कंद में हमने अधिकार की लीला का वर्णन किया, आज हमारे द्वितीय स्कंद का पारायण शुरू हुआ।
परीक्षित को पांच प्रकार की शुद्धियां कराई गई, मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। कुछ तो अपना विवेक काम आता है, पर कुछ मुझे ऐसा लगता है गुरु जी, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि गुरु कृपा काम आती है, गुरु कृपा बहुत काम आती है। परीक्षित को सुखदेव जी जैसे महासद्गुरु मिल गए, इसलिए इतनी जल्दी उनको 7 दिन में मिल गया। मैं तो नहीं कहती, लेकिन मुझे इतना जरूर लगता है कि गुरु कृपा, संत कृपा बहुत काम आती है। ईश्वर भी व्यापक है, गुरु भी व्यापक है, शिष्य की जरूरत है। जितना हम जोर जोर से जिज्ञासा करेंगे, आज अगर आप लोगों के और हमारे मन में आ गई कि इस 7 दिनों में तो ठाकुर जी के दर्शन होने ही होने हैं, तो होएंगे कहां कहां। तो बोले संत हम पहचान नहीं सकते, तो बोले संत पहचानने के लिए संत वृत्ति होना आवश्यक है, संत वृत्ति खोजना आवश्यक है। अब कहें संत वृत्ति कहां से लाए भाई, हम तो जैसे संसारी हैं, गृहस्थी हैं। बोले कुछ नहीं, जो संत वृत्ति क्या है, हमें हमारी प्यास जगानी है। ये क्या है, ये इतनी दिनों से भागवत चल रही है, ये भक्त की कथा, भक्ति की कथा, ये क्या है। इनके प्रश्न उठने लग जाएंगे कि कैसे संत बनते हैं, क्या तितिक्षा है। जो चीज अपने में नहीं है लेकिन दूसरे में है, तो हमारे को लगेगा देखिए कितने शांत बैठे हैं संत, देखो कितने तितिक्षा से हैं। मेरे एक मन में आया था, किसी ने कहा कि भागवत सुननी कैसे चाहिए। मैंने कहा बात तो सीधे, श्रोता बनना है तो सुनने तो आते हैं। तो मेरे को पुरानी एक लाइन याद आई, लर्न टू लिसन फर्स्ट एंड देन लिसन टू लर्न। पहले कैसे सुना जाता है वो सीखें, और फिर क्या सीखना उसके लिए सुने। मेरे को ऐसा लगता है वी हैव टू लर्न टू लिसन एंड वी हैव टू लिसन टू लर्न। प्रथम स्कंद में अधिकारी की कथा बताई, फिर आगे जो जो कथाएं आएंगी उसके बारे में मिला। संसार में किसी चीज में मन न जाए उसकी बात करी। काल को सिर पर रख करके बताया कि परीक्षित ने क्यों इतनी अच्छी तरह कथा सुनी, कि उसने काल को सिर पर रख के कथा सुनी, क्योंकि 7 दिन में तक्षक नाग आएगा, 7 दिन में तक्षक नाग आएगा। एक बार एकनाथ जी महाराज के पास बताई थी कल कथा कि 7 दिन में उसको काम मृत्यु होने वाली है, तो उसने कहा और कुछ नहीं, सब हट जाओ, मेरे को तो बैठने दो, खाली भगवत चिंतन करना है। तो जब मृत्यु को याद रख करके कथा सुनी जाती है, तब हम परीक्षित के जैसे श्रोता बन सकते हैं। सब जने जनरली मेरे को लेके अपन सब जन क्या करते हैं, अरे अभी कल थोड़ी मर रहे हैं। कोई अपने सामने किसी के श्मशान में भी जाते हैं तो अपन क्या कहते हैं, भाई बहुत अच्छा था, अचानक चला गया। अरे तुमने सुना कल अचानक बस लिफ्ट से उतरा और ऐसे कैसे वहीं के वहीं चला गया, भाई इसका तो कुछ पता नहीं कौन जाने वाला। लेकिन अपने लिए नहीं सोचते कि अपन अभी यहाँ से उतरेंगे और जय श्री कृष्ण हो जाएंगे, ऐसा अपन नहीं सोचते। इसलिए मृत्यु को याद करने के कारण रोज नित्य नियम से हमको हर समय चौकन्ना होके भगवान नाम या भगवत साधना आज से अभी से शुरू कर दें, चाहे वो नाम जप हो, चाहे वो साधना हो, चाहे वो कुछ। एक आदमी था समुद्र के पास गया, उसने कहा कि सुबह से शाम खड़ा रहा। सबने कहा अरे यहाँ क्यों खड़ा है, बोले मैं खड़ा हूँ कि समुद्र में से जो लहरें हैं, तरंग है, वो जरा रुके तो मैं अंदर समुद्र में कूदूं। वैसे ही हम कहते हैं कि जरा सा मेरे बेटे बेटी का ब्याह हो जाए बस, और कुछ विशेष नहीं है भाई, हम जरूर इसी में लगने वाले हैं। एक तो क्या हमारे यहाँ पे मेहमान बहुत आते हैं, एक हमारे यहाँ पे ये बहुत है, और एक हमारी ननद आ गई आज, हमारी जितनी सखियाँ उनके जब भी पूछो भाई आज ननद आ गई, आज हमारे मेहमान आ गए आज। ये तो कभी कारवां बंद होने वाला नहीं है। अगर कूदना है तो उसी लहरों के आते जाते इसी में से कूदना पड़ेगा। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। सारा जीवन काम धंधा करते करते जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो। क्यों करेंगे, वो तो ठाकुर जी का काम है करने का, मेरा थोड़ी है। और अंत समय में कहते हैं कि जनरली लोग कहते हैं क्या है अभी तो हमारा बचपन है, क्या है अभी तो हमारा
जवानी है, अभी थोड़ी हमारा काम है। देखो भागवत सुनने का अभी किसी से कहा बच्चों से कि सुन, अभी थोड़ी भागवत तो 40-45 के बाद सुननी चाहिए, अभी क्या, अभी थोड़ी मर रहे हैं। तो जीवन भर जो काम करेंगे वो अंत समय में आएगा। बोल दूं क्या, एक सुनार था तो दिन रात 100 में खरीदा 105 में बेच दे, इतने में खरीदा इतने में बेच दे, और खरीदा बेची में सारा दिन निकालता था। एक दिन उसको तेज बुखार है, बुखार है, उसको थोड़ी लगा कि चले जाऊंगा, तो बुखार बढ़ने लगा, तो एकदम बैलने लगते हैं, अंत में थोड़ा सन्निपात हो जाता। तो सन्निपात होने लगा तो बेटे ने लगाया थर्मामीटर, उसमें 105, बेच दे 100 में खरीदा 105 में बेच दे। जय श्री राधे, ओम गोविंदा है, नमो नमः। अरे काय का 105 डिग्री आई थी उसकी, वो बोले 105, वो देख रहा है 105 डिग्री बुखार आई है, रुके बेच दे। तो जो सारे दिन में खरीदा बेची करिए तो वही आएगा। जो समय चला गया उसके लिए शोर करने से कुछ भी नहीं आता है। सोचने को हम लाख बातें सोचते हैं पर नहीं हो पाती है। इसके लिए तो जीवन में अपने को, ये सृष्टि जब से बनी है तब से भगवान ने एक ही वस्तु बताई है कि हमें अपना पहला कदम रखना चाहिए। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि भगवान की थाप पर बहुत कृपा है भाई, ये बात तो करे भाई, माँ का तो कट है, थाक पर तो बहुत कृपा है भाई, सब कुछ है, सब बात है। ठाकुर जी ने कहा कृपा मैं सब पे करने तैयार हूं, एक ही वस्तु चाहिए, तू चल एक कदम, तू चाले जो एक पग, मैं पग चालू 60। 60 गुना भगवान कदम आपकी तरफ बढ़ाने के लिए तैयार है, पर पहला कदम हमें करना पड़ेगा, पहला कदम हमें करना पड़ेगा। हम पहले कदम में देरी लगा रहे हैं, आज नहीं कल नहीं परसों। अभी 7 दिन की कथा के लिए भी कईयों ने कहा भैया हमारे लिए 7 दिन निकाल लो। ये 7 दिन मकाऊ जाने के लिए सब निकाल लेंगे, 7 दिन सिंगापुर जाने के लिए, 7 दिन वहां जाने के लिए सब निकाल लेंगे, लेकिन 7 दिन कथा, वेरी बिग थिंग, आई डोंट नो हाउ कैन यू सिट ऑल्सो फोर आवर्स। ऐसा मेरे को कहा वो बोल रही हूँ, हाउ कैन यू सिट ऑल्सो फोर फोर आवर्स 7 days, हाउ कैन यू सिट प्लेइंग कार्ड्स फोर फोर आवर्स 6 आवर्स। और फिर किसी से मैंने कहा, बोले उसमें, मैंने कहा मेरे को बहुत रुचि आती है, सेम टू सेम कितने साल से कर रहे हो, सेम टू सेम। मैंने कहा सेम टू सेम क्रिकेट कितनी बार देखते हो, वही बल्ला वही बॉल और वही खेलने वाले और वही उसको सुबह से शाम तक देखते हो, उसने कितने छक्के मारे, कितने चौके मारे और कितनी सेंचुरी मारी, उसको रात रात रटते हो। एक राजा था, उसके यहाँ जो जौहरी बैठे थे सब सोना और हीरे के देखने के लिए बैठे थे, तो किसी ने कहा ये 1 लाख का हीरा, इसमें से एक हीरा इतने कांच में से हीरा पहचानो, तो हीरे लगाए चारों तरफ, हीरे लगाए, एक बूढ़ा जौहरी आया, कोई नहीं पहचान सका कि सच्चे हीरे पे जिस पे की लाइट नहीं पड़ती हो। एक जौहरी ने निकाला और निकाल करके उसने बहुत करके निकाला और उस बूढ़े जौहरी ने कहा कि ये हीरा है, ये 1 लाख रुपए का हीरा है, इसमें बहुत नहीं पड़ता है। राजा ने कहा उसे इनाम दिया जाए, 1 लाख का हीरा, 1 लाख इनाम दिया जाए कि उसने इसमें से निकाल लिया और कर दिया। वहां का एक साधु बैठा था, उसने कहा उसके ऊपर धूल झोंका जाए। बोले क्यों, बोले कितना विवेक, कितनी बुद्धि, अब हीरा को उसने पहचान लिया तो क्या, उसके पास थोड़ी इतना हीरा है, इसको अगर बुद्धि से विवेक से सृष्टि से अगर प्रभु के नाम को पहचानने में लगा दिया होता, अपने जीवन को पहचानने में लगा दिया होता तो आज कहां का कहां पहुंच गया होता। संसार में आके 2 हीरे ही तो पहचान लिए, उसके बाद क्या कर लिया। वैसे ही मुझे लगता है कि लोग कहते हैं 4-4 घंटे, कितनी भागवतें सुनेंगे और कितना सत्संग करेंगे, आनंद की मूर्छा न आ जाए, कृपा का दर्शन न हो जाए तब तक, आपको अंदर से शांति न मिले तब तक, मिलेगी जरूर। क्या करूं, आज बहुत बोलते बोलते है ना, बहुत कहावतें याद आ जाती है, कहानियां याद आ, सब बचपन से बहुत सुनी हुई ना कहानियां। एक आदमी बहुत कंजूस था, उसको जब देखे थे पैसा 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 पैसा, सभी के रहता है, वैसा मैं नहीं बोलती, ऐसा मैं किसी को नहीं बोलती, लेकिन इतना किसी भी चीज में पैसा लग रहा है,
जी पैसा लग रहा है, अरे दूध खराब जा रहा है, कितना पैसा लगे भला जी, अरे इतने लोग जीवने आ गए, कितना पैसा लगे। उसको कोई भी कार्य को पैसे से तोलता था, कोई जीवने चला जाए तो आज इतने पैसे की रोटी खा लिया, उसको हर एक चीज से पैसे जरूर तोलता था, इतने पैसे तोड़ दिया। भगवान के इधर मेरे, मैंने बहुत लोगों के दर्शन किए हैं गुरु जी, बहुत दर्शन किए हैं कई लोगों के, उनको पूछे ये ऐसा कार्य कर लें कितने पैसे लगेंगे, अरे मैंने कहा कितने क्या पैसे लगेंगे, थोड़े से लग जाएंगे, जितने लगेंगे उतने लग जाएंगे, नहीं नहीं भाई लगाइए। अरे मैंने कहा आप पिक्चर जाने जाते हैं किधर जाते हैं, वहाँ से जब पूछते नहीं, जितने की टिकट होती खरीदते हैं, किसी से 2000 सत्संग के लिए मांग लो तो बोले 2000, और 2000 जाते हैं वहाँ पर, 1000-2000 में तो INX में वो जीमन जुट्ठन करके आते हैं, तब तक 2000 लग जाते हैं। तो वो आदमी बहुत पैसे को देखता था, तो उसके घर में जरा सा भी वेस्ट जाता तो कहता था अरे देखो ये वेस्ट चला गया, अरे देखो ये वेस्ट चला गया। वो बीमार हो गया, बीमार होने के बाद क्योंकि सारी जिंदगी अब बैठा रहे, बूढ़ा है, बच्चे तो उधर से उधर कुछ ना कुछ रुपया पैसा गंवाते ही हैं, अब उसके मन में आए देखो इतना रुपया लग रहा है, कितनी मुश्किल से मैंने कमाया कितना। पुत्र कहते बाबूजी बाबा बैठे बैठे श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव है, आप क्यों नहीं करते हो, 70 बरस के बाद भी आप पैसा पैसा करते हो, अब हम बड़े हो गए हैं। वापिस क्या बोले, श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वास। उसको लगे आया मैं पैसा कमाया था तभी तो आज तू खर्च रहा है, मेरे को आज बोलने को लगा है श्री कृष्ण गोविंद, बताऊंगा तू बूढ़ा होएगा। जलता था उसका कि कितना धन ये लोग खर्च करते हैं, मैंने पाई पाई करके धन जमाया। बीमार हुआ जितना धन वो ले गए तो थे, लेकिन फिर भी उसने बहुत धन कमाया था। बीमार हुआ तो मुंह की आवाज बंद हो गई, बंद हो गई तो लोग आए और बेटे आकर के कहें पिताजी 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 शांति, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे। इधर उधर देखता रहा आंगन में, इधर देख रहा उधर देख रहा है, लोगों को लगा पक्का इसने कहीं धन छुपाया है आंगन में, इसीलिए इधर उधर देख रहा है, इधर उधर देख रहा है देख रहा है। कुछ ना कुछ बात मन में रह गई, पिताजी कुछ बात मन में रह गई क्या, पिताजी कुछ बात मन में रह गई क्या। अब पिताजी इधर देखें उधर देखें इधर देखें, एक बेटे ने कहा कि नक्की अपन पहले डॉक्टर को बुलाते, एक आधा इंजेक्शन दिलवा देते हैं इनको कुछ होगा। एक ने कहा पक्का कहीं धन जमीन के अंदर गाड़ के छुपाया होगा, वो बताना चाहते होंगे, चलो अपने एक इंजेक्शन दिला देते हैं। बुलाया डॉक्टर को, बोले 5 मिनट तक इनकी बोली आ जाए तो बोलने दीजिए। एक बड़ा बेटा था उसने कहा अरे 5 मिनट बोली आए तो भगवान का नाम तो आ जाए इनको याद में, इधर उधर कुछ चीज याद कर रहे हैं वो निकल जाए और भगवान का नाम आ जाए। सब जने पिताजी की बात सुनने के लिए आतुर होके सब आ गए कि क्या देख रहे हैं इधर, क्या बोलना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, तो उसने डॉक्टर ने कहा कि 2 मिनट के ऊपर नहीं आएगा, मैं ट्राई करता हूँ। तो एक इंजेक्शन दिया तो 2 मिनट के लिए बोली आई, तो सब उनकी तरफ कान लगा के आंख लगा के देख रहे क्या बोलने वाले। अरे मेरी ओर क्या देख रहे हो, वो बछड़ा कब से झाड़ू खा रहा है, मेरी ओर क्या देख रहे हो, इस तरह बछड़ा झाड़ू खाते 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 तुम सब खराब खत्म कर दोगे, जय श्री कृष्ण, खत्म हो गया उनका। तो ये अंत समय की बात सुखदेव जी कह रहे, अंत समय में राजन मरण सुधारो। इसलिए नहीं है कि हम आप ये सब कहानियां इसलिए नहीं है, इसलिए है कि हमारी भी यही दशा हो सकती है, देखी हुई है सुनी हुई है, जो कि बनी घटना थी, बाबजी थे उस समय की बात थी, बीमार पड़ गया था तो ऐसे ही उंगली से इंगित करते रहा, खत्म हो गया। बाद में कहा जहां इंगित कर रहा वहां देखे, सचमुच में वहां नीचे धन था लेकिन उस धन में सर्प आ गया था। कहते हैं जब जो अंत समय में जो करते हैं वैसा ही उस पे सर्प बन के आ जाता है, ये बन के आ जाता है। खैर अपने को वहां तक नहीं पहुंचना है, अगर जितना समय मिले कि कोई पिक्चर नहीं देखी कोई सीरियल नहीं देखा तो बैठे बैठे एकांत में थोड़ी देर ठाकुर जी से बातें करें। देखिए बातें करने में अपना जी लगता है तो बातें करें कि हे नाथ आज तेरी क्या इच्छा है, हे नाथ क्या इच्छा है, माला फेरे, थोड़ा थोड़ा नाम जप करने से ले ले हरि को नाम, हरि का नाम लेने से बहुत आनंद आता है।
बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल जितना हम पुकारेंगे दिल से प्रभु प्रकट हो जाएगा यही बोल हरि बोल कपिले अमृत घो नाम कपिले अमृत घो केशव माधव गोविंद घो Oh,
श्री हरि। भगवान नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर हृदय से पुकारा जाए तो जहाँ नाम है वहाँ नाम ही पहुँच ही जाता है। अगर आप खाली किसी का नाम पुकारिए उसका चित्र सामने आ जाता है, तो क्या भगवान का नाम इतना कमज़ोर है कि हम नाम पुकारें वो ना आए? हम किसी को याद करें वो सामने आ जाता है। नाम बहुत बड़ी शक्ति लेकर के आता है। और सेवा अलग अलग रकम की होती है। द्वितीय स्कंद में थोड़ा बहुत सृष्टि के बारे में बताया गया है। मन की मलिनता दूर करने के लिए विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। विराट पुरुष, विराट स्वरूप हमें श्रीमद् भगवद गीता में 11वें एकादश स्कंद में विश्वरूप दर्शन करते हुए अर्जुन को बताया गया कि कैसा विराट स्वरूप, सारा का सारा संसार, सारा का सारा संसार, उसमें परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। प्रभु का विराट स्वरूप का स्वामी जी ने चार लाइन बताई, वो चार लाइन बता के आगे बढ़ेंगे। तू ही है जो कुछ है सो तू ही है जो कुछ है सो तू ही, तू ही तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, तू ही तू ही तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, तू ही क्रिया तू करता, तू ही क्रिया तू भरता, तू ही क्रिया तू करता, तू ही है सृष्टि विस्तार, तू ही सर्ववेदों का सार, तू ही कपड़ा तू ही सूत, तू ही माता पिता और भूत, तू ही कपड़ा तू ही सूत, तू ही माता पिता और भूत, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतू, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतू, तू ही धारे रूप अनंत, समझे कोई बिरला संत, तू ही धारे रूप अनंत, समझे कोई बिरला संत, अरे बाहर भीतर तू ही है, भीतर भीतर तू ही है, बाहर भीतर तू ही है, बाहर भीतर तू ही है, तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है तू। इस विराट पुरुष का ध्यान जो संत कोई बिरला कर लेता है, हमें तो हमारे सारा संसार दिखता है, लेकिन ये विराट पुरुष का ध्यान है जब हर क्रिया करते हुए, हर तरफ देखते हुए, हर दृश्य को देखते हुए उसके भीतर की चेतनता को अगर हम पहचान ले तो वही विराट पुरुष का ध्यान है। अगर हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसमें कौन आत्म तत्व हमको करा रहा है उसकी याद आ जाए तो विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। प्रथम एक ही वस्तु बारंबार कही, जो जो बारंबार इसके बाद कई सृष्टि विषय के बाद भी भगवान के कई स्वरूपों का वर्णन किया गया। पहले और दूसरे और तीसरे अध्याय में भागवत का पूरा सारा का सारा सार दे दिया गया। राजा को उपदेश देना था, राजा को उपदेश क्या देना था ये तीन अध्याय में विदित है। नमो नमस्ते स्वृषभाय सात्वताम विदुर काष्ठाय मुहुकु योगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामिनी ब्रह्मणि रंसते नमः। जो महान भक्त वत्सल हैं, हठपूर्वक भक्ति इन साधना वाले मनुष्य, जिसकी छाया भी स्पर्श नहीं कर सकते, जिसके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं, फिर अधिक तो क्या हो सकेगा। भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जो बाहर है, भीतर है, ऊपर है, नीचे, जिस रूप को मैंने अभी चार लाइन में स्वामी जी महाराज ने बताया, तू ही है। उस तू को हम सब मिल करके आज जो हमारे आगे पीछे जहाँ हम बैठे हैं वहीं भी वो है, उसको नमस्कार करते हुए कहा। राजा ने कहा, राजन धीरे धीरे संयम बढ़ाओ, संयम की बड़ी कमी है। श्री कृष्ण का सतत ध्यान करना मनुष्य का कर्तव्य है। ये थोड़े से शुरू में द्वितीय स्कंद में थोड़ा राजा को हमको लगता बड़ा बोरियत है, बोरियत नहीं, ध्यान एक तरफ लगाने के लिए, जैसे किसी को जरा ठीक से करना, कोई खड़ा, अरे ठीक से खड़े रहो, तो समझ लो मेरे को कह रहे हैं क्या, वैसे राजन को बार बार सचेत कर रहे हैं। सात दिन में उनकी मुक्ति दिलानी है, इसलिए बार बार कहते हैं राजन
कहीं नींद ना आ जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए। कहते राजन संयम बढ़ाओ, तुमने आज तक अनेक भोगों का उपभोग किया है, अब एक एक इंद्रियों से भक्ति रस का पान करो, अब एक एक इंद्रियां वहां लगाओ। अब तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे राज काज में लगाने की जरूरत नहीं है, जो ईश्वर में तन्मय होता है उसे ही मुक्ति मिलती है। एक दफे जनक राजा के यहां, आपको आश्चर्य होगा, सुखदेव जी जनक राजा के यहां विद्या सीखने गए, जनक राजा के यहां। तो सुखदेव जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की, तो जनक राजा ने कहा मुझे कोई गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं। बोले नहीं, अगर तुम आग्रह करते हो तो जगत में जो वस्तु पूरी निरुपयोगी हो वो लाके दो। तो माता काम नहीं करता, पूरी निरुपयोगी क्या होगी, आप विचार करके बताइए, बिल्कुल किसी के उपयोग नहीं आवे ऐसी चीज, जो हाथ लगाए वो सभी किसी न किसी के लिए उपयोगी है। मिट्टी को उठाई, मिट्टी को कहा मैं तो कई जगह उपयोगी हूं, पत्थर को उठाया, पत्थर ने कहा मैं भी कई जगह उपयोगी हूं। जिस चीज को उठाई सभी की सभी वस्तुएं उपयोगी निर्धारित हुई। अगर आज और हम आप भी माथे में लगाएं तो एक दफे सोचिए कि संसार में क्या चीज उपयोगी नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं उपयोगी। अगर किसी का मुर्दा भी कहा जाए तो मुर्दा भी पंच महाभूत में जला करके उसके बाद काम आता है, कोई ऐसी चीज निरुपयोगी नहीं है। सुखदेव जी ने हार मान ली और कहा यह देहाभिमान के कारण हमने कहा कि हम करेंगे, पुरुषत्व स्त्री का भान चला जाए तब गोपी भाव सिद्ध होता है। अब इस चीज के ऊपर, मृत्यु के ऊपर काफी बोल लिया, अब आगे चलते हैं। मैं भी बोल रही थी कि इतना सारा बोलने के बजाय आगे कुदकड़ा मार लें। अब तृतीय स्कंद की तरफ हम, दरअसल सच्ची बात बताऊं क्या, सृष्टि का समझने के लिए खुद की थोड़ी तैयारी चाहिए, संयम समझने के लिए। आत्मा को यह शरीर बंधन में जरूर रखता है, शरीर जड़ है आत्मा चेतन है, लेकिन गलत है क्योंकि चेतन को जड़ वस्तु बांध नहीं सकती है। हमें आभास होता है कि हम जो मर्जी है सो कर लिए, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। एक दिन सवेरे सवेरे कहा आज मैं ये करूंगा, आज मैं 11 बजे मीटिंग में जाऊंगा, आज मैं 11 बजे ये करने वाला हूं, मेरे को आज इतने रुपए मिलने वाले हैं, बनी घटना सुना रही हूं। 10 बजे उसको इतनी जोर से बुखार चढ़ गई कि वो कुछ बोल ही नहीं सका, 11 बजे की मीटिंग धरी की धरी। लेकिन भगवान नाम मीटिंग से नहीं मिलेगा, भगवान नाम तो आप वही 10 बजे बीमारी में भी ले सकते हो, आप भगवान को याद कर सकते हो। आत्मा शरीर से भिन्न है। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित ने कहा विदुर जी और मैत्रेय का मिलन कब हुआ हमें बताइए। सुखदेव जी ने कहा कि मैं आज आपको ये विदुर जी मैत्रेय के मिलन के पहले, विदुर जी बिना आमंत्रण पाए बिना ही भगवान विदुर जी के घर कैसे गए इसका प्रसंग सुनाता हूं। धृतराष्ट्र ने लाक्षागृह में जला देने का प्रयत्न किया था, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया था। देखिए घर में कोई उपदेश देने वाला हो तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं ये तो दिन भर देते ही रहते हैं, लेकिन वो चले जाए तो पता लगता है। धृतराष्ट्र पे उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। विदुर जी ने सोचा दुष्ट प्रकृति आदमी को ज्यादा समझाना नहीं चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, खुद ही को वहां से हट जाना चाहिए। कुसंग से भरी दृष्टि जिसके भीतर होती है उसे समझाना बेकार है। उन्होंने कई बार उपदेश दिए, फिर विदुर जी ने घर छोड़ दिया और घर छोड़ के और वहां से निकल गए। वहां से निकल करके और यात्रा पे जाने के लिए निकले तो पहले उनकी पत्नी से कहा, तो उनके मन में बहुत आया